अगेन। मल्लिका कहती है, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चलित सी झरोकी के पास चली आती है। देवड़ी से रंगणी और संगनी अंदर आती हैं। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगणी संगनी को आगे करती है। रंगणी कहती है, इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं। संगनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। संगनी कहती है, तू पूछ। मल्लिका उनके पास आ जाती है। रंगणी कहती है, अच्छा मैं पूछती हूँ। सुनो, यह तुम्हारा घर है? मल्लिका कहती है, हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगणी और संगनी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगणी कहती है, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश घूमती हुई। संगनी कहती है, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगणी कहती है, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगनी कहती है, और पहले मैं परिचय दे दूँ, यह है रंगणी, उज्जैनी के नाटक केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है, नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगणी कहती है, और यह संगनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है, बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है, और तुम्हारा परिचय? मल्लिका कुछ भी उत्तर ना देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगनी कहती है, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका कहती है, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगनी कहती है, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका कहती है, किस स्थान को? रंगणी कहती है, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं, यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका कहती है, प्रकोष्ठ। रंगणी कहती है, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो? और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है, इसे? मल्लिका कहती है, कुंभ। रंगणी कहती है, कुंभ प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ? निराशा से कंधे हिलाती है। संगनी कहती है, देखो यहाँ के कुछ स्थानीय सब नहीं है? मल्लिका हत प्रभ सी उनकी ओर देखती रहती है। मल्लिका कहती है, स्थानीय शब्द? संगनी कहती है, हाँ आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यदा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदा को तरवा, यवाण सस्तवाण रश्यो बभूभुहा। मल्लिका कहती है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगणी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगनी के पास चली जाती है। संगनी कहती है, देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका कहती है, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता? पल भर झरोके की ओर देखती रहती है, मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगनी कहती है, यह मैं नहीं मान सकती, इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है, यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगणी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झांककर उसके पास आ जाती है। रंगणी कहती है, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कभी कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं, यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं।
संगिनी कहती है, अच्छा यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका कहती है, कैसी वनस्पति? संगिनी कहती है, कैसी वनस्पति? सोचने लगती है, जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, वाशवंती, रत्नानी, महोष, ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? मल्लिका कहती है, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। संगिनी उठ खड़ी होती है। संगिनी कहती है, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? मल्लिका कहती है, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, उन्होंने तो लिखा है कि। रंगिणी कहती है, रहने दे संगिनी, यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी भी निराशा से मुँह बिचका कर उठ खड़ी होती है। संगिनी कहती है, अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिणी। दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मूंद जाती हैं। मल्लिका कहती है, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कह कह कर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियाँ गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियाँ गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है, कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है, ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं, इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या कोई किवाड़ खटखटाता है। वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देख असमंजस में पड़ जाती है। मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका कहती है, कहिए। अनुस्वार कहता है, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका मोहचक्की सी उन्हें देखती रहती है। मल्लिका कहती है, देव मातृगुप्त कौन है?